हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू नेट जे आर ऑफ सॉल्यूशनिस्ट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेट जे आर ऑफ सॉल्यूशनिस्ट पे। मैं अभिषेक कुमार झा। आज हम लोग फिर असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के 2016 का जो एग्ज़ाम था उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ। कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे कवर कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, मुझे सुन पा रहे हैं? सब क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी क्लासेस लेता रहता हूँ। कल दिन में पीजीटी की रिवीजन क्लास होंगी, दिन में 12 बजे अनअकैडमी पे। आप यहाँ पर जा कर के, ठीक है, मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी मेरी फ्री में, ठीक है। साथ ही साथ यूपी हायर की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी, यूपी हायर के लिए क्लास शुरू हो चुकी है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर के, ठीक है। ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, कल से ये कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप आप लोगों को एक बेटर आइडिया लग गया होगा अबाउट दिस क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। चलिए, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। बस ये वाला क्लास खत्म हो जाए उसके बाद शुरू करते हैं पीजीटी वाली क्लासेस। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, क्लास बी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंडीशन। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के अनुसार वर्ग भी प्रदर्शित करता है किसको? बी है जेरोफाइट। क्या है? जेरोफाइट यानी कि शुष्क प्रकार की जलवायु को दिखाता है। किसको? शुष्क प्रकार की जलवायु को, जहां पर इवेपोरेशन जो है यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन है वो प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षण से ज्यादा हो जाता है। मतलब बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होता है ना, और उससे ज्यादा यहाँ पर हमें इवेपोरेशन देखने को मिलता है। तो इसको हम एक्सीडिंग एक्सीडिंग इंसुलेशन भी कह सकते हैं या एक्सीडिंग इवेपोरेशन भी कह सकते हैं हम। तो सही ऑप्शन जो है उसका है बी, यानी कि इवेपोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रेसिपिटेशन को हम वर्षण भी कह सकते हैं हिंदी में, समझने के लिए यहाँ पर अवक्षेपण लिखा होगा, इसे हम वर्षण भी कह सकते, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है? बी जेरोफाइट, जिसको हम एरिड भी कहते हैं या सेमी एरिड भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया में इसका आपको एरिया देखने को मिल जाएगा BWHW और BSHW देखने को मिल जाएगा इंडिया में, ठीक है। ये दो रीजन्स हैं। ये दूसरा वाला BSH स्टेपी टाइप का है और BW जो है वो डेजर्ट टाइप का है, यानी कि कंप्लीट डेजर्ट रीजन। राजस्थान में पाया जाता है, अरावली के वेस्ट में। क्वेश्चन नंबर टू।
गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। चलिए ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी बुलाते हैं इसे। क्या बुलाते हैं? आईआरडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन रिपीट होता है आईआरडीपी। अगर आपने एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया हुआ है, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को, तो वहां पर आईआरडीपी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है वो 1978 में होती है, सबसे पहली बार इंडिया में इसकी शुरुआत होती है 1978 से। ठीक है, इसको हम कहते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में हमने एक इंक्लूसिव ग्रोथ का जो पॉलिसीज थी, स्कीम्स थी, वो हमने शुरू किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पता है आपको, यूजीसी नेट का ही है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट का था, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जो आपसे पूछा गया है एनटी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरविंद, यस करेक्ट, मेगा थर्मल, जेरोफाइट, मेजो थर्मल, माइक्रो थर्मल एंड टुंड्रा। करेक्ट, टुंड्रा को हम हेकिस्टो थर्मल भी कहते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों के लिए मैंने अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस में कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाइड किया था, दिन में 12 बजे, आप लोग को ध्यान होगा। इसके पहले मैंने आप लोग को जितने भी अर्बन लैंड यूज के मॉडल्स है वो सारे करवाए थे कल, और कल दिन में मॉर्निंग में जो 12 बजे वाली क्लास होगी ना, उसमें भी हम लोग कुछ ऐसा ही कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग जरूर आइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा अनअकैडमी का, वहां से आप डायरेक्टली जाकर के क्लासेस में इनरोल करा सकते हैं, फ्री है सभी के लिए, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहां पर विंटर रेनफॉल होती है। क्या होती है? विंटर रेनफॉल होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कहां से? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है यूजीसी नेट के पेपर से आया हुआ है। तो क्यों होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन? तो विंटर में इंडिया में आती नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादातर मॉनसून वाले टाइम या उसके पहले या उसके बाद बनते हैं, विंटर्स में नहीं बनते हैं। क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को आने के लिए जो ओशन सरफेस होता है, ठीक है, ओशन सरफेस का टेम्परेचर 26 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल इन द विंटर सीजन। तो ये क्या होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, पछुआ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इनको कहा जाता है। रिट्रीटिंग मॉनसून तो इंडिया में सितंबर से ही शुरू हो जाता है, तो वो विंटर रेनफॉल नहीं कराते हैं। अरेबियन सी मानसून ही है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन है इसका बी, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो आते हैं मेडिटेरेनियन सी से होकर के, ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट ऑफ द जो आपका नॉर्दर्न रीजन है वहां पर, वहां से आते हैं। और ये अरब कंट्रीज से होते हुए ईरान, पाकिस्तान, फिर इंडिया में एंटर करते हैं। इसके दो ब्रांच बनते हैं, एक तिब्बतन प्लेटू की तरफ जाता है, दूसरा इंडिया की तरफ एंटर करता है। इंडिया की तरफ जो एंटर करता है वो रेनफॉल करवाता है। क्या करवाता है? रेनफॉल। और जो तिब्बतन प्लेटू की तरफ जाता है वो स्नोफॉल करवाता है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दो तरीके से इंडिया में एंटर करते हैं, तो सही ऑप्शन है इसका बी। हाँ, मेडिटेरेनियन सी से ये वाटर ले लेते हैं और उसके बाद ये बारिश कराते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में भी कराते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, स्नोफॉल वाला पार्ट वही तो है। हाँ, प्रेशर बेल्ट साउथ में जाता है ना, ट्रेड विंड साउथ में जाती हैं,
तो वेस्टर्लीज आती हैं इक्वेटर के आसपास वाला रीजन, मतलब इक्वेटर नहीं आती, उनका बेल्ट भी शिफ्ट होता है, तो करेक्ट है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू एन इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, भूमंडलीय तापीकरण औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है, मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज टू बिल्ड अप ऑफ SO2 इन अर्थ एटमोस्फियर। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में कह रहा है कि ज्यादातर जो भूमंडलीय ऊष्मन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये SO2 के कारण होता है। ये गलत है, ज्यादातर CO2 के इमिशन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इसको हम, है ना, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, अर्थ के एटमोस्फेयर में जाकर के वहां पर कलेक्ट होती हैं और उसके बाद इंसुलेशन को ट्रैप करती हैं, जो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही है, और इस तरीके से जो ऊष्मा है, जो ताप है, वो एटमोस्फेयर में बढ़ता है और इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट का, और इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, है ना। ग्लेशियर्स यानी कि जो जहाँ जहाँ पर पूरे पृथ्वी पर ग्लेशियर्स हैं, हिमानी पाई जाती है, वो बढ़ते तापमान के कारण मेल्ट हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्रीन लैंड के ऊपर, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है अंटार्क्टिका के ऊपर। इवन जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन्स पे हैं, जैसे कि हिमालय पे हो गए, एल्पस पे हो गए, इन सारे ही रीजन के भी जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, बाकी टू इसमें गलत है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इससे टफ क्वेश्चन तो मैं अपने क्लास में प्रैक्टिस करवा देता हूँ अनअकैडमी प्लस के, इससे टफ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, चलो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, ग्लेशियल हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसका है? रेग्नॉल्ड डेली का है। किसका है? डेली का। सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी, आपके यूजीसी नेट से पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया है? यूजीसी नेट से आया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? बताइएगा जरूर कि आज के क्वेश्चन में कितने करेक्ट होंगे क्लास के बाद। देखिए, डेली जो थे वो प्रोफेसर थे जियोलॉजी के MIT में, बोस्टन में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जियोलॉजी के प्रोफेसर थे, आपको पता ही होगा। और इन्होंने स्टडी किया था हवाई आइलैंड का और समोआ आइलैंड का। उसको स्टडी करने के बाद इन्होंने ग्लेशियल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, जब इन्होंने ग्लेशियल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया था तो वो बेसिकली किससे रिलेटेड था, ये है ना, ग्लेशियल कंट्रोल था आपके हाँ ठीक है ना, किससे किससे रिलेटेड था ये ग्लेशियल कंट्रोल? कोरल कोरल रीफ से रिलेटेड था। रीफ को, कोरल रीफ को ये बताना चाह रहे थे कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, तो एटॉल्स वगैरह का इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ था। ठीक है, तो सही ऑप्शन है इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जियोलॉजी के थे, ज्योग्राफी के नहीं थे। करेक्ट, रोहित, डेली ग्लेशियल कंट्रोल, डार्विन का सबसिस्टेंस, मरे का स्टैंड स्टिल, डेविस का सब्सिडेंस। सब्सिडेंस डार्विन का भी है, डार्विन का।
JRF के बाद PhD में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पहले JRF निकालिए विद्या, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा अच्छी जगह पे। फर्स्ट यू नीड टू क्वालिफाई जूनियर रिसर्च फेलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऊज, ठीक है, ऊज आर कैलकेरियस इन नेचर, मतलब चूना प्रधान, जिसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम कैलकेरियस कहते हैं। सिलिसियस होता है और कैलकेरियस होता है, यहां पर देखो सिलिसियस भी और कैलकेरियस भी है, ठीक है, आपको पता लगाना है सही ऑप्शन। सिलिसियस हटा दें अगर तो कैलकेरियस बचता है क्या, टेरापॉड बचता है, टेरापॉड और ग्लोबिजरेना, ये दोनों ही क्या है, कैल्शियम प्रधान है। रेडियोलेरियन और डायटम क्या है, सिलिसियस है, ठीक है, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये ओशन डिपॉजिट से रिलेटेड है, ठीक है। अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट ओशन डिपॉजिट वाले क्लास में जाना, ओशनोग्राफी में, वहां पर आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से, ऐसा होता है कि JRF के बाद नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ JRF एक पैरामीटर नहीं है, आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं ये भी मैटर करता है, आपका रिसर्च सिनॉप्सिस कैसा होता है, रिसर्च प्रपोजल कैसा होता है, ये भी मैटर करता है ना। JRF इज अ क्वालिफिकेशन, लेकिन आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, आपने खुद को कैसा रिप्रेजेंट किया, ये भी मैटर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है साक्षी, प्रोफेसरशिप के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, प्रोफेसरशिप के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं। 37 से 41 के बीच में कौन सा सी है जिसकी सैलिनिटी इतनी देखने को मिलती है, तो भाई देखिए ये है रेड सी, ठीक है, रेड सी 37 से 41 के बीच में है। यहां पर नॉर्थ सी का और गल्फ ऑफ बोथनिया का बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है, पर्शियन गल्फ का थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, पर्शियन गल्फ भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखा जाए अगर तो दुनिया के सबसे ज्यादा मोस्ट सैलाइन जो वाटर बॉडीज हैं, इसमें लेक वॉन का नाम आता है, डेड सी का नाम आता है, ग्रेट सॉल्ट लेक का नाम आता है टॉप 3 में, वहीं लेक उर्मिया, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये कुछ दूसरे सी है, यानी कि छोटे छोटे सागर हैं जहां पर कि आपको सबसे ज्यादा ओशन सैलिनिटी देखने को मिलती है। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है वो गल्फ नॉर्थ सी के ठीक नॉर्थ में है, ठीक है, जहां पर कि सैलिनिटी बहुत ही कम है, 1% से भी सैलिनिटी कम है यहां पर, मतलब लोवेस्ट, सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमी रिकॉर्ड क्या है, कॉलेज प्रोफेसर के लिए आपको देखिए कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि कंपटीशन होता है वो तो मेरिट पे बेस पे होता है ना, तो आप फर्स्ट क्लास रखिए मैट्रिक्स में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, इन सब में आप अच्छे परसेंटेज रखिए, एटलीस्ट 60% हो, और मैक्सिमम तो आप जितने एफर्ट्स लगा सकें जितने आपके आ सके। स्टूडेंट तो 90-90% ले आते हैं मास्टर्स में, और आजकल का आप देखोगे 11th 12th और 10th का रिजल्ट, तो इसमें बच्चे 95 96 97 99% लाते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है, बट एक मिनिमम कहते हैं कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट होना ही चाहिए। प्रोग्रेसिव वेव थियरी किससे रिलेटेड है, प्रोग्रेसिव वेव थियरी किससे रिलेटेड है, ये आपके टाइड से रिलेटेड है, यानी कि ओरिजिन ऑफ टाइड से रिलेटेड है। किसने दिया था, विलियम वेबल ने दिया था 1883 में, जब इन्होंने पहली बार स्टडी किया था कि किस तरीके से
जो टाइड्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, इसके लिए कुछ वेव्स होते हैं जो प्रोग्रेसिवली लगातार, है ना, एक वेव, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिस कारण से प्रोग्रेसिव वेव थियोरी जैसा कॉन्सेप्ट निकल के सामने है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे आइए, वहां पर चैप्टर वाइज क्लासेस होती हैं। ठीक है, आइए और पढ़िए, है ना, अनअकैडमी प्लस पे आइए, वहां पे सारा पढ़ा रखा है मैंने। बिल्कुल, एडमिशन हो सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलो देखो, हॉर्स लैटिट्यूड अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? अश्व अक्षांश आपको कहां पर देखने को मिलता है? यहां पर बेल्ट पूछा गया है, अगर आप लोग को ध्यान हो तो ये भी पढ़ाया हुआ है, ये भी यूजीसी नेट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। किसका? यूजीसी नेट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग को क्या लगा कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अलग से ज्योग्राफी पढ़नी होती है? क्या कोई ज्योग्राफी अलग से पढ़ना है आपको लगता है ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या जो आप नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हो वही उसी से आपका काम हो जाएगा? थोड़ा और उसको डीपली पढ़ना है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है वो नेट जेआरएफ के ही लेवल का होगा या उससे थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, तो हॉर्स लैटिट्यूड देखिए कहां पर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट नहीं होगा, ये होगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च कटिबंधीय दाब पेटी होती है। देख लीजिए यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आप देख रहे हो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री हो गया, 30 से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पर भी है। ठीक है, 30 to 35 यहाँ पर भी है, ये आपका 60 डिग्री हो गया और ये आपका 90 डिग्री हो गया पोलर। तो ये है आपका हॉर्स लैटिट्यूड जो बेसिकली आता है हाई प्रेशर बेल्ट में। क्यों हाई प्रेशर बेल्ट में आता है? क्योंकि जो लो प्रेशर बेल्ट वाले रीजन्स हैं, यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं हायर इंसुलेशन के कारण, और फिर ये बैठती हैं, सेटल डाउन होती हैं यहाँ इस रीजन में, 30 या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके गाइस, क्लियर है अभी? क्लियर है? ठीक है, ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था इंटरनेट का, अभी सही है। इकोलॉजिकल सक्सेशन नॉर्मली लीड्स टू, पारिस्थितिक अनुक्रमण किस तरीके के स्थितियों को जन्म देता है ना? जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो हमेशा इंतजार करते हैं क्योंकि उनको पता है, और यहाँ कुछ लोग आते हैं दर्शन देने के लिए और दर्शन दे करके चले जाते हैं, या दर्शन करने के लिए भी आते हैं। पढ़ने वाले लोग जो हैं हमेशा ही इंतजार करते हैं। हाँ चलो, इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का ही है कि ना तो हैबिटेट, ना तो बायोम, ना ही क्लाइमेटिक फ्रंटियर, बल्कि ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी को जन्म देता है। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है? एक मिश्रित कम्युनिटी। देखो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है ये सबसे लास्ट स्टेज माना जाता है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन का। सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बता दूं आप लोग को,
जब किसी भी रीजन में कोई बायोडायवर्सिटी का लॉस हो जाता है, जो प्राइमरी बायोडायवर्सिटी होती है, जब उसका लॉस हो जाता है, तब उसके बाद फिर से एक न्यू बायोडायवर्सिटी का जन्म होता है, एक नई इकोलॉजी का जन्म होता है, ठीक है। तब वहां पर धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है कम्युनिटीज का, यानी सबसे पहले वहां पर प्राइमरी ग्रासेस आएंगी, प्राइमरी प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर वहां पे ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, ये सब आएंगे, उसके बाद बड़े ट्रीज आते हैं, फिर वहां पर वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, फिर और ट्रीज आते हैं, इस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ डेवलप होते चला जाता है। तो इसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, एक समय से दूसरे समय में हम जाते हैं, तो जो इन्वायरमेंट है वो डेवलप होता है। क्लाइमेक्स का मतलब ही होता है जहां पर मिश्रण बहुत ज्यादा हो, मिक्सअप बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है। तो कल्मिनेटिंग स्टेज इन सक्सेशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेबल कम्युनिटी इन द एरिया, इसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जहां पर एक स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी का डेवलप होता है। एंड दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसे भी हम क्लाइमेटिक या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये है इसका सही ऑप्शन डी, यानी कि क्लाइमेक्स। ओके, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस होती हैं दिन में 12 बजे, कल आप दिन में 12 बजे पीजीटी स्पेशल क्लास कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप यूपी हायर की प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप मेरा अनअकैडमी प्लस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा, बहुत सारे न्यू टॉपिक आप पढ़ पाएंगे, साथ ही साथ आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए यूनिट वाइज। तो एक कंप्लीट ज्योग्राफी का सॉल्यूशन है यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पे मेरे क्लास में, ठीक है। आप इस वक्त क्लास जो है अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर के। इसके लिए आपको कोर्स करना है अगर तो 3 मंथ का ले सकते हैं, बट अगर JRF की तैयारी करनी है तो 24 मंथ का प्लान लीजिए, सबसे बेस्ट प्लान है। यूज रेफरल कोड अभिषेक जे। कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एनिमल रियरिंग हैज डेवलप्ड वेल। भारत सॉरी, निम्नलिखित प्रदेश में से पशुपालन सर्वाधिक कहां पर विकसित हुआ है? अगर पशुपालन की बात करें, विकसित, डेवलप्ड, वो रीजन आपसे पूछा जा रहा है यहां पर। क्या डोल्ड्रम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? कुछ अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए मेरे से, मैं बताऊं फिर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डोल्ड्रम बताने की जरूरत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एनिमल कहां पर सबसे बेहतर देखने को मिल सकता है? प्रेयरीज एंड स्टेपीज में। क्यों? क्योंकि प्रेयरीज एंड स्टेपीज क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन है, यहां पर शीतकालीन ग्रासेस पाए जाती हैं। अगर हम वर्ल्ड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन में, यूरोप का स्टेपी वाला रीजन हो गया, विचाहे डाउन्स हो गए आपके साउथ अफ्रीका के, या सॉरी डाउन्स नहीं, बुश वेल्ड या वेल्ड यहाँ पर हो गए, पंपाज हो गए अर्जेंटीना में, डाउन्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में, इन सारी जगहों पर डेवलप्ड एनिमल रियरिंग पाई जाती है। इनको हम कहते हैं कॉमर्शियल लाइव स्टॉक क्रॉप फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग भी कहते हैं, वाणिज्यिक पशुपालन सस्य उत्पादन होता है। ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका, पंपाज रीजन, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह में ये पाए जाते हैं। ये आपका व्हीटलसी का मॉडल है जो मैंने आप लोग को अनअकैडमी प्लस में पढ़ाया हुआ है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड डिवीजन वाले स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, थर्ड डिवीजन वाले भी बन सकते हैं, बशर्ते अगर सिर्फ इंटरव्यू पे है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड है, जैसे कि अगर एग्जाम हो रहा है, तो वहां पर थर्ड डिवीजन सेकेंड डिवीजन मैटर नहीं करता है, आपके मार्क्स मैटर करते हैं फाइनल एग्जाम्स में। तो ये मन से निकाल दीजिए आप लोग, ठीक है, कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सबका होता है, आपका भी होगा। हाँ, यस,
चलिए ये क्वेश्चन देखिए। हाँ हु वॉज द मैन टू प्रिपेयर द फर्स्ट वर्ल्ड मैप टू स्केल, दुनिया का सबसे पहला मैप स्केल पर बनाने वाले अनाक्जीमेंडर थे। अनाक्जीमेंडर आप लोग को पता होगा, थेल्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। थेल्स और अनाक्जीमेंडर ने मिल करके मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी की नींव रखी थी। तो अनाक्जीमेंडर को ही कहा जाता है जो पहला मैप तैयार किया था इन्होंने स्केल के ऊपर, और पहली बार स्केल का इस्तेमाल किया लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल किया। वो कौन थे? लैट लॉन्ग का इस्तेमाल करके वर्ल्ड मैप तैयार करने वाले कौन ज्योग्राफर थे, भूगोलवेत्ता थे, आप मुझे ये बताइए कमेंट करके। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि अनाक्जीमेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिपार्कस थे, टॉलमी नहीं थे, हिपार्कस के बहुत बाद आते हैं टॉलमी, तो हिपार्कस का पहले नाम आता है। ऐसी पढ़ाई होगी आप लोग की, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। हाँ बच्चों का खेल नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, प्रोफेसरशिप पाने के लिए ज्ञान होना चाहिए उस लेवल का। द बुक द गाइड टू ज्योग्राफी वॉज रिटन बाई, गाइड टू ज्योग्राफी किसकी लिखी हुई बुक है? चलिए बताइए, ये टॉलमी की बुक है, ठीक है, दिस बुक रिटन बाय दी टॉलमी। आज ही पढ़ाया था द गाइड टू ज्योग्राफी, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। सारे बुक्स एंड राइटर्स के जो पीडीएफ आप लोग को दिए हुए हैं मैंने, सारे बुक्स एंड राइटर्स के जो पीडीएफ दिए हुए हैं आप उसको रिवाइज करिए, वहां से फिक्स है कि क्वेश्चंस आएंगे जो आज मैंने आप लोग को दिया है, ठीक है। तो सही ऑप्शन है इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ रिवीजन किया था आज ही हम लोगों ने। चलिए, हुज पायनियर स्टेटमेंट ऑन द स्कोप एंड मेथड ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू हॉटस्टोन सेट द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक थॉट फॉर द फ्यूचर? हॉटस्टोन के अकॉर्डिंग आधुनिक भूगोल की अगर हम बात करें तो किसके क्षेत्र और विधि पे भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास है वो दर्ज होता है? ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। किसका? यूजीसी नेट का क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में आता रहता है। तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी। किसका? रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी, वॉन रिस्थोफेन। वॉन रिस्थोफेन ने रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी को डेवलप किया था और इन्होंने मेजर वर्क ऑन चाइना नाम की बुक लिखी थी, जियोमॉर्फोलॉजी नाम की एक बुक लिखी थी। वैसे इनका रीजनल अप्रोच था और रीजनल अप्रोच रिचर्ड हार्टस्टोन का भी था जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन लिखा था, या ये टर्म दिया था उन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें इन्होंने रीजनलाइजेशन की बात की थी, रीजन की बात की थी, ठीक है। तो सही ऑप्शन है इसका ए, यानी कि वॉन रिस्थोफेन जर्मन स्कॉलर थे, ठीक है, कंटेम्प्रेरी ऑफ फ्रेडरिक रेंचल।
लेबेंजरम किसने दिया था? लेबेंजरम किसका है? ये है इसका फ्रेडरिक रेटजल का है। लेबेंजरम में ही इन्होंने बात की थी किसकी, है ना, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। किसकी बात की थी? राज्य का जैविक सिद्धांत। ठीक है, इसे ऑर्गेनिक स्टेट थियोरी भी कहते हैं, ऑर्गेनिक स्टेट थियोरी कहते हैं। फ्रेडरिक रेटजल की ये बुक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 1997 में बुक आई थी। ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ाया हुआ है, रट गया है, थॉट एकदम रटा हुआ है आप लोग के दिमाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, लिविंग स्पेस, ऑर्गेनिक स्टेट थियोरी जो भी कह सकते हैं आप। हाँ यस, जर्मन ज्योग्राफर थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ रेटजल। देखो, आप लोगों को अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मेरी एक सलाह है, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस फील्ड का थोड़ा सा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोग से शेयर करता रहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक प्रोफेसर आपको बनना है डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आप सबसे पहले यूजीसी नेट क्रैक करिए। अगर आपकी एज है तो JRF क्वालिफाई करिए, एडमिशन लीजिए किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जहां आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन आप यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको पढ़ते रहिए, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जो डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम्स हैं उनको देते रहिए, क्योंकि इन्हीं यूजीसी नेट के सिलेबस से ही क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तो जितना आप यूजीसी नेट के सिलेबस को तैयार करेंगे उतने ही आप रेडी रहेंगे किसी भी स्टेट के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये एक एक्सपर्ट एडवाइस मान लीजिए आप लोगों के लिए। रेटजल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो एंथ्रोपोजियोग्राफी है, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं, और ये 2 वॉल्यूम में आई थी, आज ही आप लोग को बताया था मैंने, है ना, 1882 और 1891 में आया था। यहीं पर हम लोगों ने आज रिवीजन किया था ना, इसके 2 वॉल्यूम थे, वॉल्यूम 1, ठीक है, और वॉल्यूम 2 था। दोनों वॉल्यूम के अलग अलग नेम है, आज ही आप लोग को पढ़ाया हुआ था इसको। करेक्ट, अपने बारे में कोई पूछे तो 2 मिनट सोचना पड़ता है, लेकिन थॉट के बारे में कोई कुछ भी पूछे तुरंत बता दिया जाएगा। पोल वाले में ज्यादा मजा आता है ना, अनअकैडमी पे वो व्यवस्था है। जिनका नेट क्लियर हो चुका है उनको JNU एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होना होता है। देखिए, एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके आप जाएंगे तो एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू एक ही होगा आपका, 2 इंटरव्यू नहीं होगा। आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जाओ चाहे आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके जाओ, इंटरव्यू एक होगा। लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो सामने स्टूडेंट बैठा है इसने एंट्रेंस भी क्वालिफाई किया है और इसने नेट JRF भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो बेशक अच्छे प्रभाव के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए आप जा सकते हो। एलन चर्चिल सैंपल जो थी वो फेमस डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच था इनका, और ये फ्रेडरिक रेटजल के से काफी प्रभावित थी, और उनके प्रभाव के कारण ही ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से निकल करके जर्मनी जा करके रेटजल के अंडर में काफी कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा और 2 बहुत ही फेमस बुक लिखी, ठीक है, एक तो अमेरिका के ऊपर लिखा और दूसरा लिखा ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि ज्योग्राफी का जो इन्फ्लुएंस है ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर, उसके बारे में लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है इसका। अब बाकी सारे क्या है, ब्रूंस और ब्लास जो है ये पूरी तरीके से पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच वाले हैं। हम्बोल्ट ने कोई अप्रोच नहीं अडॉप्ट किया, इन्होंने यूनिटी इन नेचर की बात की। किसकी? यूनिटी इन नेचर।
ना प्रकृति की एकता की बात की। इनको किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। ही वॉज एक्चुअली एक्सप्लोरर नॉट द स्कॉलर, एक्सप्लोरर थे वो। हो जाएगा अभिषेक, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। चांस ऑफ सिलेक्शन है, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है वो जेएनयू एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, एंट्रेंस क्वालिफाई करके जाइए, इंटरव्यू में होता है, सिलेक्शन होता है। बी पॉजिटिव, आपको एक सीट से मतलब है और आपके लिए एक सीट अगर वहां पर है तो आप जा सकते हैं। हमारे क्लास से ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में, जो सिर्फ एक सीट थी फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी इज टू एम्फेसाइज द एनालिसिस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। वेलफेयर ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो वेलफेयर ज्योग्राफी में किसकी बात होती है? एक मिनट एक मिनट, वेलफेयर ज्योग्राफी में बात होगी एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी लाइफ की नहीं। वेलफेयर ज्योग्राफी में बात होता है बैलेंस का। किसका? बैलेंस का। किसका? संतुलन का। और संतुलन किसमें? जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इनका वेल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि समाज में हर किसी को बराबरी का हक दिया जाए, ठीक है। संतुलन यानी अमीर और गरीब का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, रिच एंड पुअर का कोई कॉन्सेप्ट ना हो। ये क्या है? रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की बात करता है। यानी हम तभी वेलफेयर कर पाएंगे जब सभी में समान रूप से इक्वली हम रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ना कि डी। सी ऑप्शन करेक्ट है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असिस्टेंट प्रोफेसर ना होने पर कोई खास कोई खास, देखिए जहां पर भी एग्जाम होता है, राम कुमार मिश्रा का ये क्वेश्चन है, जहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है वहां पर मैटर करता है आपके मार्क्स। आप एग्जाम में प्लस इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाते हैं ये मैटर करता है। अगर 100 में से आप 90+ मार्क्स लाते हैं तो सिलेक्शन आपका होगा। पीएचडी वालों को थोड़ी सी मार्क्स इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मिल जाती है, 2-4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो कैसे होता है भाई? एक तो नेचुरल फर्टिलिटी, जन्म दर जो होगा, और नेचुरल मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट होगा। तो इन दोनों को ही जब हम, है ना, दोनों का ही रिलेशन हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। जैसे अगर 100 लोगों का बर्थ होता है और 10 लोगों की डेथ हो जाती है, तो नेचुरल डेथ, नेचुरल इंक्रीज कितना हुआ? 90% होते हैं। और अगर पॉपुलेशन पहले से ही वहां पर 1000 है, 1000 है, तो कितना हो जाएगा? 90 उसमें ऐड हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल। इसमें अगर हम माइग्रेशन को प्लस माइनस कर लें, माइग्रेशन प्लस माइनस अगर हो जाए, तो इसे हम कहते हैं जनसंख्या में बदलाव। तब इसको हम प्राकृतिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेचुरल नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये टोटल चेंज हो जाता है, टोटल पॉपुलेशन का चेंज हो जाता है, जिसमें हम नेचुरल को हटा देते हैं। क्योंकि तब सिर्फ नेचुरल नहीं होगा ना, इसमें मोर्टेलिटी भी होगी, फर्टिलिटी भी होगी, और प्लस माइग्रेशन यानी कि प्रवास भी होता है, इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ये दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कुछ लोग जो आएंगे, कुछ लोग जो जाएंगे, उनको हम यहाँ से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए आप लोग को भी बहुत सारा नॉलेज नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन को लेकर के, आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होता कैसे। देयर इज नो यूनिवर्सल पैरामीटर। इंडिया में हर स्टेट एक ही तरीके के पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। ईच एंड एवरी स्टेट हैविंग द सेपरेट सिलेक्शन प्रोसीजर्स। तो आपको क्या करना है, उस स्टेट के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। कहीं पर एग्जाम होता है, ज्योग्राफी के पेपर होंगे या किसी भी सब्जेक्ट के पेपर होंगे, और कहीं पर सीधा इंटरव्यू होता है, और उसमें आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एपीआई को चेक किया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग पैरामीटर से कभी किसी वीडियो में बताऊंगा आप लोग को बहुत डिटेल में, ऐसे यहाँ पर बता पाना संभव नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द यूरोपियन पॉपुलेशन क्लस्टर, यानी अगर यूरोप में पॉपुलेशन का क्लस्टर हुआ तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा। तो देखिए वहां पर क्या है, हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, वहां पर नगरीकरण का उच्च स्तर। आपको पता ही होगा कि यूरोप में कुछ कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पर 90% तक पाया जाता है अर्बनाइजेशन, कुछ कुछ कंट्री हैं जहां पर 95% तक अर्बनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि 70+ तो हर कंट्री में होगा। कुछ 70+ में है, कुछ 80+ में है, कुछ 90+ में है, कुछ 95+ में है। तो अर्बनाइजेशन का लेवल इतना ज्यादा है, एंड दैट्स वाई अर्बन एरिया में ही ज्यादातर पॉपुलेशन के क्लस्टर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जनसंख्या का समूहन पाया जाता है, केंद्रण पाया जाता है। एंड दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसोर्स सीजन पढ़ाया है आप लोगों को, मैंने पढ़ाया है। 69 का आंसर डी था, 69 का आंसर डी था। ठीक है, पढ़ाया हुआ ना आप लोगों को, किसका है, एडवर्ड एकर मैन का है। एडवर्ड एकर मैन ने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है 5 ब्रॉड कैटेगरी में। ठीक है, 5 ब्रॉड कैटेगरी में 1970 में डिवाइड किया एडवर्ड एकर मैन ने, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जनसंख्या संसाधन और तकनीक के आधार पर किया हुआ है। तो यहां पर देखो उन्होंने 5 में से एक है यूनाइटेड स्टेट टाइप है, दूसरा है यूरोपियन टाइप, तीसरा है ब्राजीलियन टाइप, फिर है चाइना और इजिप्ट टाइप, और इसके बाद है नंबर 5 आर्कटिक या डेजर्ट टाइप। यूनाइटेड स्टेट वाला जो है वो टेक्नोलॉजी रिसोर्स रीजन है, लो पॉपुलेशन है, और जबकि यूरोपियन वाला भी सोर्स ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर का है और टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी है। ब्राजीलियन टाइप में टेक्नोलॉजी तो है बट डेफिसिट है यहाँ पर काफी ज्यादा, जबकि लो पॉपुलेशन रीजन है यहाँ पर। इजिप्टियन या चाइनीज में टेक्नोलॉजी डेफिसिट एरिया है लेकिन हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, जबकि आर्कटिक रीजन में टेक्नोलॉजी डेफिसिट है और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है और रिसोर्सेज भी बहुत कम है। तो एडवर्ड एकर मैन ने डिवाइड किया था 5 मेजर कैटेगरीज में, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिक्सटी नाइन का आंसर डी था ना, 69 का आंसर डी था, बताया था ना। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 72, 75 तक करेंगे।
होगा करेक्ट? रैंक साइज रूल जेके जिफ का मॉडल है, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी मार्क जेफरसन का मॉडल है, हाँ सेंट्रल प्लेस थ्योरी वॉल्टर क्रिस्टोलर का मॉडल है, और जबकि सेक्टोरल थियोरी रबर लैंड यूज का होमर हॉयट का और डेवी का मॉडल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इन सब की डेडलाइन पता है आप लोग को, 1933, 1939, 1949 और 1939 प्राइमेट सिटी। ठीक है, सारी डेडलाइन याद रखिए क्योंकि डेडलाइन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरो मत भाई, टूटो मत, गिरो मत। नहीं, 45 में ना वो आया था, 45 में मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल आया था, 39 में है। ठीक है, बाकी आप लोग को क्लास पसंद आ रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक करिए। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, तभी ना आगे क्लासेस होंगी। कैसे होंगी ऐसे क्लासेस, है कि नहीं? लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फटाफट दोस्तों को शेयर करिए, बताइए उन्हें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर कॉमनली फाउंड। न्यूक्लिएटेड मतलब क्लस्टर, क्लस्टर वाले रीजन में कहां पर पाए जाएंगे? क्लस्टर्ड, माउंटेनियस रीजन में क्लस्टर्ड नहीं होगा ना, माउंटेनियस रीजन में डिस्पर्स्ड होते हैं, डिस्पर्स्ड फैले हुए। ह्यूमिड रीजन में क्या होते हैं? ह्यूमिड रीजन में भी, बहुत ज्यादा ह्यूमिड रीजन अगर है तो वहां पर भी फैले हुए होते हैं। क्या होगा फिर इसमें ऑप्शन? एरिड रीजन होगा, यानी कि डेजर्ट रीजन। ठीक है, देखो ये है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, यहाँ पर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ये डिस्पर्ड सेटलमेंट है, ये लीनियर सेटलमेंट है और ये आइसोलेटेड सेटलमेंट है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पर घर काफी सटे बनाए जाते हैं, बहुत ही क्लोज्ड बनाए जाते हैं, जिनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, इसे हम क्लस्टर्ड भी कहते हैं। ठीक है ना, क्लस्टर्ड भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7774। कितनी बार सब्सक्राइब करें? अरे नहीं, एक ही बार आपको करने की जरूरत है, हर किसी को एक ही बार करने की जरूरत है, बार बार करेंगे तो सब्सक्राइब की जगह अनसब्सक्राइब हो जाएगा डेली वाला कार्यक्रम नहीं चलो नेक्स्ट, द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ टाउन इज। टाउन के मॉर्फोलॉजी को अगर कुछ अफेक्ट करता है तो वो क्या है? आकारिकी पर क्या प्रभाव डालता है? जलवायु, साइट, सॉइल या फिर वाटर सप्लाई, क्या प्रभाव डालेगा? बहुत इंपॉर्टेंट, साइट। साइट यानी कि बसाव स्थल, वो कहाँ पर है? दैट इज लोकेशन। साइट का मतलब है लोकेशन, हिंदी में अवस्थिति। ठीक है, लोकेशन यानी कि अवस्थिति, इसे हम कहते हैं, है ना। कैसे प्रभावित होगा भाई? लेक के किनारे है, रिवर के किनारे है, या फिर प्लेन रीजन में है, या फिर माउंटेनियस रीजन में है, या फिर किसी ओशन के किनारे है, सारे फैक्टर्स इस पे वर्क करते हैं, तो लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7-5। नहीं होगा डेल्टा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा डेल्टा, नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए।
इन कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी बर्ग इज जोन ऑफ बेटर रेजिडेंट, पढ़ाया था ना आप लोग को, बताया था ना आप लोग को कल मैंने दिन में 12 बजे कि अगर बर्गेस का मॉडल आएगा और अगर 5 रिंग है तो उसमें से थर्ड रिंग और फोर्थ रिंग ही आपसे पूछे जाते हैं बार बार, बताया था ना। देखो यहां पर आ गया आपका फोर्थ रिंग, जोन ऑफ बेटर रेजिडेंट आ गया ना। तो जो बात मैं कहता हूं उस बात को मान लिया करिए आप लोग, ठीक है, वही पढ़िए जो कहता हूं पढ़ने के लिए, उसी से कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो जोन फोर होगा इसमें जो आप देख रहे हो, ये है जोन ऑफ बेटर रेजिडेंट। कभी कभी ये वाला पूछ लेता है जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कर्स होम, तो ये थर्ड रिंग होता है। बर्गेस का मॉडल था, 1925 में ये मॉडल आया था, ठीक है। तो ये हो गया आज का आपका क्लास, कल रात को 10 बजे फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे, ठीक है। कवर करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को, तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों से या उन लोगों से जो इस तरीके के क्लास को ढूंढते हैं यूट्यूब पे लेकिन मिल नहीं पाता है, उनकी हेल्प करिए फ्री लर्निंग में, ठीक है, जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर आप यूपी हायर की प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए, तो अनअकैडमी पे मेरा एक नया कोर्स आया है जो आज से शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं कम्प्लीटली। आप यहाँ पर 3 मंथ का कोर्स लेकर के उस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ JRF की तैयारी कर रहे हैं तो आप 24 मंथ का प्लान लेकर के अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये है कोर्स का नाम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा दिन में 12 बजे 12 PM पे PGT की क्लासेस होंगी, कल दिन में 12 बजे, भूलिएगा मत, आइएगा जरूर, फ्री क्लासेस हैं सबके लिए, फ्री हैं। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली जाकर के अनअकैडमी पे वहां पर देख सकते हैं। वहां पर कोड आपसे पूछेगा तो अभिषेक जी कोड का इस्तेमाल करिएगा, कई बार कोड भी पूछता है, ठीक है, क्लासेस एक्सेस करने के लिए कोड भी पूछता है। थैंक यू सो मच, क्लास कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए जरूर बताइएगा, कि 25 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए थे, ठीक है, 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए जरूर बताइएगा। ये उत्तर प्रदेश 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी आप सभी लोगों से कल रात को 10 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।